फ्रेंड्स, आप सभी के एक बार फिर से एलटीएस में स्वागत है। दो जो आईपीओ हैं मेन बोर्ड के हैं, उनके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो पहली कंपनी है tbo.com, जो कि बढ़िया कंपनी है, लीडर कंपनी है, काफ़ी अच्छे सर्विसेज हैं और मुझे लगता है कि इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अभी हम देखेंगे जीएमपी क्या है दोनों कंपनियों का। और दूसरी जो कंपनी है आधार हाउसिंग फाइनेंस की है। तो दोनों में देखेंगे किस में आवेदन अच्छे से किया जा सकता है, जहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सके, और फ्यूचर में कैसी कंपनियाँ रहेंगी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में एक नज़र में जान लेते हैं। वी आर वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स एंड सिंप्लीफाई द बिजनेस ऑफ ट्रेवल फॉर सप्लायर्स सच एज होटल्स, एयरलाइंस, क्रूज, कार रेंटल्स, ट्रांसफर्स एंड रेल एंड रिटेल। API बायर्स सच एज ट्रेवल एजेंसीज, API बायर्स मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंडिपेंडेंट ट्रेवल एडवाइजर्स एंड एंटरप्राइज बायर्स दैट इंक्लूड टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल मैनेजमेंट कंपनीज, ऑनलाइन ट्रेवल कंपनीज, सुपर एप्स एंड लॉयल्टी एप्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स देम टू ट्रांजैक्ट सीमलेसली विद ईच अदर। तो करीब 159,000 से ज़्यादा जो है ट्रेवल बायर्स हैं, 1 मिलियन होटल्स वर्ल्ड वाइड जिनसे इनका संपर्क है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज, 55 प्लस सपोर्टेड करेंसीज हैं। जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि बड़े बड़े नाम आप देख सकते हैं। TBO टेक का अगर IPO की डिटेल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एक की फेस वैल्यू है 8 तारीख से 10 तारीख के मध्य आप आवेदन कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट के माध्यम से। डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दिए गए हैं। जो प्राइस बैंड है इसका 875 से 920 रुपये पर शेयर है। 16 शेयर्स का एक लॉट है, मतलब मिनिमम इतने के लिए आपको आवेदन करना ही पड़ेगा। इसकी लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगहों पे हो रही है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 13 मई को, और पैसा वापस आ जाएगा जिनको नहीं मिला 14 मई को, और जिनको मिला उनको 14 मई को जो है शेयर्स मिल जाएंगे डीमेट अकाउंट में। इसकी लिस्टिंग 15 मई को है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही, यदि हम कुछ वर्ष देखें, हमें याद रखना होगा कि ट्रेवल एजेंसीज या जिस प्रकार के कारोबार करने वाली कंपनियां हैं वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। 2021 भी प्रभावित था। फिर भी यदि हम देखते हैं रेवेन्यू किस प्रकार का रहा, तो 176 करोड़ 2021 का वित्त वर्ष, 2022 में 511 करोड़, 2023 के वित्त वर्ष में 1085 करोड़, और ये 9 मंथ्स का है दिसंबर तक 1040 करोड़ के आसपास। बिजनेस इनका काफ़ी बढ़िया है, ग्रोथ काफ़ी दिख रही है यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं मुनाफा किस प्रकार का रहा, तो यहाँ पे तो खैर 2021 में नेगेटिव है, फिर 2022 में 33 करोड़, फिर 148 करोड़, फिर यहाँ पे 154 करोड़, यानी काफ़ी बढ़िया शानदार यहाँ पे प्रॉफिट भी निकल के आ रहा है। उसी प्रकार से नेटवर्थ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है प्रत्येक वित्त वर्ष में। रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छे खासे हैं इनके पास, अगर देखें यहाँ दिसंबर 2023 तक में तो 473 करोड़। अगर देखें एक लॉट की जो अमाउंट बन रही है अपर कैप के हिसाब से वो है 14,720, मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि दो के लिए कर रहे हैं, तीन के लिए कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो मैक्सिमम करना चाहते हैं उनके लिए 1,91,360 है अपर कैप के हिसाब से, फिर यहाँ पे स्मॉल HNI, फिर मैक्स, फिर बिग HNI, अगर आप देखेंगे उनकी जो अमाउंट बनती है 9-10 लाख के करीब, किस कैटेगरी में आप आना चाहते हैं उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात इसकी GMP की, GMP आज 8 तारीख को तो IPO ओपन हो रहा है, तो प्रातःकाल वीडियो बन रहा करीब 11 बजे के आसपास, तो 50% यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है, यानी कि लिस्टिंग गेन जो हो तो उसकी संभावना आज की डेट में, तो अभी 3 दिन बाकी हैं, आज कल परसों, तो घट बढ़ दोनों सकता है, यानी कि इतनी अमाउंट का जो 920 है उसमें 57% और जोड़ देंगे तो इस तरीके से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और भी ज़्यादा थी, यानी कि अभी फ़िलहाल अच्छा नज़र आ रहा है, लोग इसको तवज्जो दे रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं, आप किस प्रकार के निवेशक हैं वो हमने यहाँ पे बता दिया है। दूसरी जो कंपनी का IPO आ रहा है वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये भी एक लीडर है। और देखा जाए तो किस प्रकार की कंपनी है, ऑफकोर्स हाउसिंग फाइनेंस देखा जाए तो बहुत कुछ विशेष तो नहीं कर रही है, जैसा कि आपने देखा, चाहे होम फर्स्ट फाइनेंस हो, आवास फाइनेंशियर्स हो, या और भी कई सारी कुछ नई कंपनियां भी लिस्ट हुई थी, लेकिन फिर भी इनके प्रोडक्ट्स बढ़िया हैं, कामकाज बढ़िया है, तो हमें लगता है कि ये भी एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और GMP भी देख लेंगे लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोन प्रोडक्ट्स में जैसे होम लोन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, होम लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, लोन फॉर प्लॉट परचेज,
होम इम्प्रूवमेंट लोन हो, होम एक्सटेंशन लोन, लोन अगेंस्ट रेसिडेंशियल कमर्शियल, इस प्रकार की बहुत सारी बैलेंस ट्रांसफ़र, लोन फॉर परचेज ऑफ नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, होम कंस्ट्रक्शन लोन, लोन फॉर प्लॉट परचेज, इस तरीके के आप देख सकते हैं। तो बढ़िया बिजनेस है इसका। तो खैर अभी भारतवर्ष में भयानक बिजनेस चल रहा है। कंपनी के पास करीब 474 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं अक्रॉस 20 स्टेट्स, एम्प्लॉयज़ करीब 3721 हैं, और जो कस्टमर्स बेस्ड है, हैप्पी कस्टमर्स बेस है, वो है 248,747, यानी काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, तो बढ़िया होम लोन की कंपनी दिखाई दे रही है। बाकी फाइनेंशियल्स वगैरह आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले GMP देखते हैं, वही सुबह 11 बजे के आसपास, और पहला दिन तो यहाँ पे 22% नज़र आ रहा है। IPO डेट है इसकी 8 से 10 मई, इस बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। 10 की फेस वैल्यू है, 300 और 315 रुपए के मध्य में इसका जो है प्राइस है, IPO प्राइस। 47 शेयर्स का एक लॉट है, और NSE BSE दोनों जगह लिस्टिंग इसकी हो रही है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 13 मई को, फंड वापस हो जाएगा 14 मई को, और शेयर्स मिल जाएंगे जिनको मिल गया अलॉटमेंट वो 14 मई को, और लिस्टिंग इसकी 15 मई को। सेम वैसे डेट है इनकी भी, उसी प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। एक लॉट की जो अमाउंट है वो 14,805 है 47 शेयर्स का। उसी प्रकार से यदि कोई मैक्सिमम आवेदन करना चाहता है, या 1, 2, 3, 4, 13 तक, तो उनकी अमाउंट बनती है 1,92,465, या फिर उस हिसाब से आप गुणा कर लें कि दो लॉट के लिए, तीन लॉट के लिए, कितने लॉट के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं। HNI और BIG HNI, इस प्रकार के आप अगर निवेशक हैं तो वो अमाउंट भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, उस हिसाब से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू किस प्रकार का रहा इस कंपनी का, सारा कुछ करोड़ में है। तो 2021 में 1575 करोड़, फिर अगले वित्त वर्ष में 1728 करोड़, फिर अगले वित्त वर्ष में 2043 करोड़, फिर नवे महीने में 1895 करोड़। मुनाफा भी अगर देखते हैं 340 से 446, 545 दिसंबर तक 547 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, बढ़िया कंपनी नज़र आ रही है, साल दर साल ग्रोथ इसमें नज़र आ रही है। कर्ज़ा ना देखें, क्योंकि इनका यही तो कर्ज़ा लेके ही लोन देते हैं, इनका रॉ मटेरियल है। बाकी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ के आसपास है। ROE इसका 18%, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है 12.9%, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.93। तो ये है आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो इसमें अभी हो सकता है कि बढ़ोतरी भी देखी जाए या कमी भी हो सकती है, तो वो भी आप लगातार नज़र बनाए रखें। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं कि आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो है GMP क्या है, तो आपको करंट पता चल जाता है। अनेक प्रकार की वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, किस प्रकार के निवेशक हैं उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। मुझे लगता है कि TBO टेक में आपको एक लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा हो सकता है। बढ़िया कंपनी है, हल्का फुल्का व्यवसाय है, बढ़िया सर्विस इंडस्ट्री है, दुनिया भर के देशों में कारोबार फैला हुआ है। अगर कोविड जैसा कोई माहौल आता है तो ही प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी कंपनियों को, अदरवाइज़ किसी प्रकार की समस्या इस कंपनी में नहीं आ सकती, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बढ़िया बिजनेस है, तो इसमें आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन भी मिला तो कुछ शेयर्स रख के कुछ जो है बेच सकते हैं, भविष्य के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के दो IPOs, आप अपनी भी रिसर्च कीजिए। और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से खोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।